ठीक है, तो यहाँ तो सुनवाई हुई है आपकी? हाँ, अब यहाँ हो रही है। ठीक, वैसे तो हम 4 दिन से भटक रहे हैं इधर उधर। हाँ, यहाँ पे हो रही है। हाँ, तो उम्मीद भी है तो हो जाएगी। हो जाएगी। नमस्कार, न्याय टीवी के स्पेशल एपिसोड क्राइम जस्टिस में मैं योगेश शर्मा, हम आपको आज दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ समाज में दहेज के नाम पर लोग अत्याचार करते हैं। एक माँ बाप अपनी बेटी को बड़े जतन से पाल के बड़ा करते हैं और उसके बाद उसकी उनकी जितनी सामर्थ होती है उस हिसाब से दान दहेज देकर उसे विदा करते हैं, लेकिन ये वे लोग जिनके साथ उस बेटी ने जीवन बिताने के सपने देखे होते हैं, जब उनके साथ मारपीट करते हैं और उनको इस तरीके से मारा जाता है कि उनके जीवन का प्रश्न खड़ा हो जाता है, तब उन पे क्या बीतती है। आइए हम दिखाते हैं। ऐसा ही एक मामला वृंदावन की गोधूलीपुरम कॉलोनी का है, जहां देवी सिंह ने अपनी बेटी शीतल की शादी जेवर टप्पल के पास, एक गांव है गोरोला की नगरिया, वहां प्रमोद नाम के लड़के के साथ की और शादी के बाद से ही वह लड़का उस लड़की के साथ मारपीट करने लगा। बिल्कुल न्याय चाहिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। कभी जिंदगी में भी उधर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे साथ ये 3-4 बार हो चुका है और मुझे और सहन नहीं होगा। मुझे उधर बिल्कुल भी नहीं जाना, उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना। उसने मुझ पर अटैक किया है, बहुत ही बेरहमी से मारने की कोशिश की। मेरा नाम शीतल चौधरी है। मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की। मेरे पति का नाम प्रमोद चौधरी है, वो गोरोला नगरिया के पास के रहने वाले। ये नौजिल बाजने के साइड पड़ता है। मेरी शादी 29 जून को हुई थी 2020 में। हाँ। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और उसने मेरे साथ ये सब करना स्टार्ट कर दिया। एक तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, दारू वारू पी के काफी लेट आता है, रात को बिना बजा बिना गलती के मेरे को मारने की कोशिश करता है। उसने कभी मुझसे हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन ही नहीं रखा, हम पैरों की तरह व्यवहार करता है और बोलता है कि तेरे बाप ने तुझे दिया ही क्या है, बुलेट बुलेट दे दिए। फिर भी उसके बावजूद भी मैं यही वृंदावन में रहती हूँ। वैसे मैं जावरे की रहने वाली हूँ, मार्ट के पास। रोज रात को दारू पी के आता है, उसका डेली का काम है। मैंने बहुत ज्यादा जुल्म सहन किए हैं उसके साथ, उसके परिवार ने भी उसका साथ दिया है। उसने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की है और धमकी देता है मेरे को कि तेरे माँ बाप ने तुझे दिया क्या है, हर एक चीज से मुझे सुनाता रहता है। तू इससे बात मत कर, उससे बात मत कर। मेरे फोन तक मुझसे छीन लिए गए ताकि मैं घर पे कुछ किसी को कुछ बता ना दूं, मैं उसके इशारों पर चलूं और उसके जैसा वो करे मेरे साथ मैं वैसे सहूं। मैंने उसका इंतजार किया, रात को 1:30 बजे वो दारू पी के आया मेरे पास बैठा और मुझे माँ बहन की गाली देने लगा। आते ही मुझे फालतू में बकवास करने लगा मुझसे और बोला कि मैंने तुझे कपड़े लाने को बोला था, तू छत पर कपड़े लेकर क्यों नहीं आई, जबकि कि उसने झूठ बोला था। ऐसा कुछ भी नहीं बोला और वो मुझे रूम से मारते छत तक लेके गया। उसने बेरहमी से मुझे मारा, वहाँ पे चारपाई थोड़ी टूटी पड़ी हुई थी छत पर, उसने जहाँ पे उसका पाया पड़ा हुआ था उसने मेरे सिर पर मारने की कोशिश की और 2 बार मेरे सिर को दीवार में भी मारने की कोशिश। मैं बेहोश हो गई वहाँ पे, फिर मैं थोड़ी होश में आई, फिर उसने मारना स्टार्ट कर दिया और मुझे छत से गिराने की कोशिश की। फिर जैसे ही मैं भागवा के नीचे आई तो पड़ोसियों को आवाज भी जा रही थी, पड़ोसी आए मुझे बचाने के लिए। मैंने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने बोल दिया तू कमरे में जा, हम तेरी हेल्प करेंगे, तो रूम में छुप जाके और मैं देखता हूँ, हम देख लेंगे इसे। और फिर भी उसने आप कौन होते हो उन पर भी अटैक करने की कोशिश की, उनको भी मारने की कोशिश की। फिर वो चले गए, उसके बाद
उसके बाद रूम तोड़ दिया उसने, रूम की किवाड़ वगैरह सब तोड़ दिए उसने, मुझे जबरदस्ती खींचा, मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए उसने, मुझे यहाँ पे गाल पे पूरी तरीके से फाड़ने की कोशिश, दांत गड़ा दिए हैं बुरी तरीके से उसने, मेरी मुंह पे उसे बुरी तरीके से फाड़ने की कोशिश की है, उसने मेरा मुंह बिगाड़ने की कोशिश की है। यहाँ बाइक खड़ी थी साइड में ही, बाइक की पेट्रोल भी निकालने की, मैं तुझे आज जलाकर खत्म कर दूंगा बिल्कुल। फिर मुझे वो खेत पर लेके गया रात को ऐसे करीब 12-1 बजे करीब, मुझे वो खेत पर लेके गया और वहाँ पे भी मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की उसने, पूरी तरीके से मेरे यहाँ पर गले पर 2-3 थप्पड़ लगाए और लात घूंसे मेरे पेट पर मारे। मेरे पेट में 2-2.5 महीने का बच्चा आया जिसकी बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो रही है, चोट आई है गहरी, मेरा बच्चा बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अब फिर मैं वहाँ पे बेहोश हो गई, मुझे कब पता नहीं मेरे माँ बाप कब आ गए, मुझे टाइम से उठा लाए वहाँ से, बेहोश गाड़ी में भी बिठा लिया मुझे वहाँ से ले आए, और फिर रास्ते में भी उस आदमी ने मेरे माँ बाप पर भी अटैक करने की कोशिश की बुरी तरीके से, मेरी मम्मी को ऐसे करके हाथ से फेंक दिया, छोटे पापा हैं मेरे उनको भी काफी गहरी चोट आई है, उनके कान से खून निकल रहा है, और गाड़ी के शीशे फोड़ दिए जिससे मैं जाने वाली थी। मैं काफी मतलब बहुत ज्यादा वहाँ पे भी खराब हालत हो गई थी, पुलिस भी गए थे, हम वहाँ से डायरेक्ट वृंदावन आ गए, वृंदावन कोतवाली में भी हमने काफी मतलब प्रयास किया, वहाँ से मना कर दिया और बोले कि जहाँ पे ये हादसा हुआ है टप्पल साइड, आपको वहाँ टप्पल थाने में ही करवाने, हम वहाँ पे भी गए, हमें हाँ। वहाँ से भी निकाल दिया गया और बोले कि आपको अब मार्ट जहाँ की लड़की है वहाँ पे केस दर्ज कराना पड़ेगा, हम मार्ट भी गए, मार्ट में भी इनकार कर दिया गया, वहाँ का हादसा हुआ है वहाँ पे रिपोर्ट कराओ, बाकी लोगों से जानकारी ली न्याय टीवी वालों से, न्याय मांगने में ही बलाई है इसलिए उन्होंने हमें बताया, इसलिए हम आपके पास आए हैं। चलिए हम आपकी जो यथासंभव मदद होगी वो मदद करेंगे और आपको जरूर न्याय दिलाएंगे, ठीक है? बिल्कुल न्याय चाहिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप इस बेटी की माँ है? जी हूँ। क्या हुआ है इस बिटिया के साथ? इसके साथ इसके हस्बैंड ने काफी मारपीट की है, शुरू से शादी के पहले दिन ही गई थी, तभी से जब हम इसका मतलब 3 दिन का छीता निकला था, जब आई अपने ससुराल से तभी से ये रोने लगी, मैंने कहा क्यों इतना रो रही है, तो फिर इसने बोला कि मम्मी आपने कैसे घर में शादी कर दी। मारता इसलिए है कि अपने मतलब ये कहती है तुम कुछ काम करते नहीं, कुछ ऐसा नहीं करते, तो इसी बात में मारता है कि अगर तुझे पैसे की जरूरत है तो अपने बाप से मंगा। हाँ। तो इसीलिए उससे मारपीट करते है, दारू पीता है तो दारू के लिए रोकते है तो भी मारता है इसे। अच्छा। नशे में रहता है हरदम और जानवरों जैसा सलूक करता है, अगर ये मतलब इसको मतलब बोलने चालने के लिए मना कर दे मेरी तबीयत सही नहीं है तब भी इसे बहुत मारता है, और मतलब इसके साथ बहुत जानवरों जैसा सलूक करता है, किया है मेरी छाती में मतलब लात मारी थी काफी दूर फेंक दिया, मेरे मुंह पे भी 2-3 थप्पड़ रख दिए थे और जबरदस्ती लड़की को मुझसे खींचने लगा, इसके गाल में जो चोट थी फिर उसमें भी इसने कई थप्पड़ मारे हैं, उसके गाल पे भी पूरा सूट फाड़ दिया उसका। घर वाले परिजन जो हैं बच्ची को किसी तरीके से उस गांव से यहां लेके आए, उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई, उनके साथ भी उक्त व्यक्ति द्वारा और उसके परिवार के द्वारा मारपीट की गई। बताया जाता है कि जो शीतल लड़की है उसका पति पुलिस में है और उसकी भाभी भी पुलिस में है, उनकी दबंगई यहां तक है कि उनकी कोई भी जो पीड़ित थे उनकी शिकायत किसी भी थाने में दर्ज नहीं की गई, पीड़ित परिवार थाने थाने शिकायत दर्ज करवाने के लिए घूमता रहा, 3 दिन घूमने के बाद में हर जगह से उन्हें लौटा दिया गया, इसके बाद में वो वृंदावन आए, और धन्य है वृंदावन की पुलिस और यहाँ के इंस्पेक्टर शशि प्रकाश शर्मा जिनके निर्देश पर उक्त बच्ची की FIR दर्ज की गई और उसका मेडिकल कराया गया। वैसे तो हमें 4 दिन से भटक रहे हैं इधर उधर, हाँ। यहाँ पे हो रही है, हाँ। उम्मीद भी है कि हो जाएगी, हो जाएगी। अभी के पास गई थी, हाँ। फिर उनकी मदद ली, उनकी मदद के जरिए हम यहाँ पे आए हैं और उन्होंने हमारी मदद की है। FIR में मतलब हमारी छोरी पिट रही है, हम पिट रहे हैं और फिर सारा नाम खबर दी हो, अगर रोशनी के तत्व है, अगर एक वो जीवन में छोड़ में
मिनको में बता रही है अब तक मैं कछू ना करो अब तक नहीं कहते रहो फिर मोदी कमी फिर मोदी कमी है पर मेरी बहन का कछू है क्यों तो मैं 80 लाख रुपया हुआ था 80 लाख तो मैं बक्सांग नहीं मैं तुम्हें बता रही है चाहे हरियाणा का दी है चाहे कोई नगरा का दी महिला का दी तुम आ गई हूँ मैं तुम्हें बता रही है मैं मरवे मार भी पाया हूँ। 2 महीने बाद ही उस लड़के ने ये मांग रखी कि मुझे बुलेट चाहिए है। माँ बाप के पास पैसा नहीं था लेकिन कहीं से उन्होंने कर्ज लेकर उसे बुलेट भी दी। देखिए वो क्या कह रहा है बुलेट को लेते समय। अब कौन से कलर में मांग रहे हो तू? इन्हें खूबत हो फोटो भेज दिए है फायदा हो तुम बताओ फोटो भेज दिए ना भाई ना अपने मनमानी कर रहे की फिटिंग है मुंह पर भाई भगवान का तुम खा रहा हूँ इतना पीटूंगा इन्हें कब भूल जाएंगे। वैसे तो हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और प्रदेश में योगी जी की सरकार है यहाँ बहुत से लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देते हैं। जब बेटियों के साथ इस तरीके का अत्याचार होगा तो कोई अपनी बेटी को क्यों पढ़ाएगा और क्यों ऐसे दरिंदों के साथ जो दहेज के लिए लड़की के साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं कोई अपनी लड़की कैसे शादी करेगा और ये लड़कियां कब तक इस समाज में इस तरीके से प्रताड़ना झेलती रहेंगी। ये समाज का विभत्स चेहरा है जिसमें समाज को सुधार करने की आवश्यकता है।